बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। कुछ दिन पहले हम लोगों ने हल चलाकर बाजरे की फसल उगाने के लिए बीज गिराया था, तो आज देखते हैं उसका रिजल्ट क्या निकला है। शाखें निकली हैं बाहर के नहीं निकली अभी तक, तो आइए देखते हैं। इस वक्त मैं खेतों में खड़ा हूँ, तो खेतों का व्यू चेक करें। बहुत ही मज़े की हवा लग रही है, ये देखें, चेक करें। तो आइए देखते हैं क्या रिजल्ट निकला उस बीज का जो हम लोगों ने गिराया था फसल के लिए बाजरे के। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें जो हम लोगों ने बीज गिराया था, तो ये शाखें निकल आई हैं बाजरे की, ये देखें माशाल्लाह, ये देखें। मेरे ख्याल से अभी 8 दिन भी नहीं हुए हमें बीज गिराए को, तो शाखें निकल आई हैं। तो मेरे सामने जो है सूरज आंखों में आ रहा है, ये देखें, धूप बहुत शदीद किस्म की लग रही है, ये देखें सूरज। तो मेरी आंखें भी ठीक से खुल नहीं पा रही, मेरी आंखों में धूप आ रही है। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं ये सब्ज़ी लगी हुई है माशाल्लाह। कौन सी सब्ज़ी है? ये भिंडी है मुझे लगता है, ये देखें ये भिंडी लगी हुई है, ये फूल है इसके, ये देखें ये फूल है भिंडी के, अभी छोटी है, ये देखें तैयार नहीं हुई अभी बिल्कुल। और भी हैं देखें माशाल्लाह, ये देखें भिंडी के साथ साथ कद्दू भी लगा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारा कद्दू लगा हुआ है, ये छोटे हैं अभी, ये देखें माशाल्लाह। काफ़ी प्यारे लग रहे हैं कद्दू, ताज़ा सब्ज़ी जो उतारते हैं लोग, तो विलेज में ऐसे ही चलता है, ताज़ा सब्ज़ी उतारते हैं खा लेते हैं। ये हमारी चार कनाल जो है ना रकबा है, जिसमें हम लोगों ने ये बाजरा उगाया है। बाजरे की फसल जो है हमारी चार कनाल की है। ये भैंसों के लिए चारा रखा हुआ है, इसमें हल नहीं चलाया क्योंकि ये अभी भैंसों के लिए लेकर जाते हैं, भैंसों को डालते हैं। आपको मैं यहाँ पर खड़ा होकर दिखाता हूँ अपने गाँव का व्यू। बहुत ही लेवल का मौसम हुआ है। जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, अगर आप विलेज में रहते हो तो आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। जो विलेज में रहते हैं उनको पता है कि जब हवा चलती है ऐसा मौसम होता है तो कितना मज़ा आता है। तो अगर आप लोग विलेज में रहते हो तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। इस जगह से लोग घास लेकर जाते हैं, तो ये रास्ता जो है बिल्कुल ख़राब कर दिया है, ये देखें कीचड़ ही कीचड़ है। लोग घास लेकर जाते थे यहाँ से, तो इसलिए ये रास्ता सारा ख़राब हो गया, बहुत ही बुरी तरह से ख़राब हो गया, ये देखें। तो हम लोगों ने जो बाजरे की फसल उगाई है उसकी शाखें जो हैं वो निकल आई हैं बाहर, तो थोड़े दिनों तक ये तैयार हो जाएगा, फिर हम लोग भैंसों को डालेंगे इसको। भूख बहुत ज़्यादा लगी है, सबसे पहले तो जाके खाना खाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, खाना शाना खा लिया, अब निकालने लगे हैं भैंसों का दूध। तो दूध देखते हैं भैंसों का कैसे निकालते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। शायद दूध निकालने लगे माशाल्लाह, इधर है ना सर, ये देखें माशाल्लाह।
माशाल्लाह। खाना से दूध निकाल रहा है, ऐसे दूध निकालते हैं। माशाल्लाह आज जो है ना दूध बिल्कुल सही है। ये वो किला जो हमने कल लगाया था, तो एक उधर दूसरी तरफ लगाया हुआ है, एक उधर लगाया है। ये जो भैंस की टांग टूटी है ना, उसका दूध निकाल रहा है। ये देखें, टांग टूटने की वजह से 2-3 लीटर दूध दे रही है अब, नहीं तो 10 लीटर दूध देती थी माशाल्लाह ये भैंस। ये कट्टी ने भी पी लिया दूध भी। दे तार दे भाई, ये देखें जी भैंस को दूध दिया जा रहा है। माशाल्लाह ये देखें, माशाल्लाह ये भैंस जो है 10 लीटर दूध देती है हमारे। ये देखें माशाल्लाह, ये आप देख सकते हैं 10 लीटर दूध है। ये जो भैंस हमारी है 4,50,000 की आई थी, मंडी से लेकर आए थे, जिसके नीचे ये 10 लीटर दूध है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें। मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।